मध्य प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट काल जहां जारी है, वहीं दूसरी तरफ संकट दूर करने के लिए सरकार संकट मोचक की भूमिका निभा रही है। और इस बीच ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ बीना में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड में स्थापित VPSA ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंचे। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना रिफाइनरी के पास ग्राम चक में बनने वाले 1000 बिस्तरों के अस्थायी कोविड अस्पतालों के स्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत अस्थायी कोविड अस्पताल की प्रगति की समीक्षा करते उन्होंने कहा कि डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आदि बाहर से आएंगे और उनके रुकने का अच्छा इंतजाम किया जाएगा, जिसके निर्देश में संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोरोना के खिलाफ युद्ध जारी है और पीड़ित संक्रमित मरीजों के इलाज के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। नई व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है। एक तरफ जहां हम सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स लगा रहे हैं ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी को पूरी तरह से दूर किया जा सके। आज भी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है जिसमें 6 टैंकर लद के आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति हो या संक्रमित भाई बहनों के इलाज की उपचार की व्यवस्था हो, सरकार समाज के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर लगी हुई है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक विकल्प हमको मिला बीना रिफाइनरी के द्वारा। यहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन यह है कि हम उस ऑक्सीजन को दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, ऐसी व्यवस्था नहीं है। और इसलिए हमने तय किया कि जहाँ ऑक्सीजन है वहीं एक अस्पताल बना दिया जाए, प्यासे को कुएं के पास ही ले आए जिसको ज़रूरत है। और इसलिए बीना रिफाइनरी के पास जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन पर आधारित एक कोविड का अस्पताल रिफाइनरी के पास बनाने का फैसला सरकार ने किया है। और आज रिफाइनरी के साथ मिलकर जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं, कंप्रेसर की व्यवस्था करना जिससे ऑक्सीजन को पेशेंट्स के पलंग तक पहुंचाया जा सके, वहां ऐसा अस्पताल खड़ा करना जिसको पानी से और आग से भी जो सुरक्षित हो, आने वाले पेशेंट्स की सारी व्यवस्थाएं बिस्तर से लेकर इलाज तक की उसकी व्यवस्था करना, उसके लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। डीओ के हमारे मित्र आए हैं टेक्निकल सपोर्ट के लिए, अहमदाबाद से टीम आई है जो ऑक्सीजन लाइन बिछाने के काम में जुटेगी लगेगी। हमारी सारे प्रदेश के प्रमुख विभाग जो इस काम में लगेंगे वो आए हैं। और फिर अस्पताल के सपोर्ट से जो बेहतर इलाज दे सके ये अस्पताल चलेगा, तो उसकी व्यवस्था भी आज हमने करने का प्रयास किया है। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि विस्तार के साथ चर्चा हुई है, सारी चीज़ें हमने टाई अप की है। चूँकि हमको पानी और आग से बचाने की भी, सुरक्षा देने की भी पूरी व्यवस्था करनी है, और कोविड का कोई ठिकाना नहीं है ये कितने दिन तक चलेगा, इसलिए लंबे समय तक ये अस्पताल चल सके वैसा स्ट्रक्चर भी बनाना है, तो मजबूत स्ट्रक्चर बने, आज इसके बारे में चर्चा हुई है। वैसा स्ट्रक्चर बनाने में लगभग 15 दिन लगेंगे, ऐसा आज हम लोगों ने जब डिस्कशन किया तो पता चला। तो युद्ध स्तर पर वो स्ट्रक्चर भी बनेगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन की लाइनें बिछाना, यहाँ ऑक्सीजन टैंक से ऑक्सीजन वहाँ ले जाने की व्यवस्था करना, रोड्स, पीने का पानी, भोजन की व्यवस्था, इलाज की व्यवस्था। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।